एक इंसान का शरीर में दो इंसान होते हैं, एक कहता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और दूसरा कहता है कि अभी सोते रहते हैं। एक कहता है कि चलो पढ़ाई करते हैं, लेकिन दूसरे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। इसे दिल और दिमाग की लड़ाई कहा जाता है। लेकिन सोचो, अगर ये दोनों एक हो जाए तो ये दोनों इंसान एक ही बात बोले, लेकिन यह कैसे होगा? क्या यह वाकई में संभव है? देखिए, दिल और दिमाग को एक करने के लिए आपको 21 दिन के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। तो आज हम जानेंगे कि आप इस काम को 21 दिन में कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर असली समस्या कहां पर है। इस दिल और दिमाग की लड़ाई में हमें किस तरह नुकसान होता है? जब आपके अंदर एक ही काम को लेकर दो अलग अलग ओपिनियन होते हैं तो उसकी वजह से वो काम टल जाता है। अगर एक मन कहता है कि उस काम को कर लो और दूसरा मन कहता है उस काम को मत करो, तो आखिर में आप यह निर्णय लेते हैं कि इस काम को आज नहीं कल करेंगे, और कल भी आपके साथ यही सब फिर से होता है। इसी तरह कई लोगों के साल निकल जाते हैं, उम्र निकल जाती है, अंदर ही अंदर एक रस्सी खींच की प्रतियोगिता चल रही होती है, और इन सब से बचने के लिए इंसान चला जाता है मोबाइल, सोशल मीडिया, टाइम पास वाले कंटेंट की शरण में, ताकि उसके मन के ये तानातनी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती, बल्कि इससे समस्या तो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इससे उस इंसान के काम का समय निकल जाता है और उसको और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो अब जानते हैं कि आखिर कैसे अपने मन को, इन दो आवाजों को आप एक कर सकते हो। दोस्तों, 1950 के दशक में मैक्सवेल नाम के एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने अपने मरीजों में एक अजीब सा पैटर्न देखना शुरू किया। जब मैक्सवेल कोई ऑपरेशन करते थे, जैसे कि नाक का ऑपरेशन, तो उन्होंने पाया कि मरीज को अपना नया चेहरा देखने की आदत डालने में लगभग 21 दिन लगते थे। इसी तरह जब किसी मरीज का हाथ या पैर किसी कारणवश काटा जाता था, तो मैक्सवेल ने इस बात को देखा कि मरीज को इस नई स्थिति को समझने में करीबन 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन तक तो वो मरीज एक काल्पनिक अंग का आभास करता था। इसका मतलब हमारे दिमाग से एक पुरानी मानसिक छवि को खत्म कर दे और एक नई छवि को जमने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। और इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी किताब में ये लाइन लिखी थी कि नई आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं, और फिर उसके बाद ये नई आदत आपकी जिंदगी में बन जाती है। तो अब आपको अपने मन की एक आवाज को चुप कराना है 21 दिन तक, और इसकी शुरुआत आप कर सकते हो सुबह जल्दी उठने से। जब भी आपका दूसरा मन बोले कि सुबह जल्दी उठने से कोई फायदा नहीं होता, थोड़ी देर और सोते रहते हैं, तो उसको चुप करा दो। आप लगातार जब 21 दिन तक यह काम करोगे तो वो 22वें दिन से ही आपको टोकना बंद कर देगा। इसी तरह से अपने ब्रेन को आप ट्रेन कर सकते हो। हार्ड वर्क करने के लिए यही टेक्निक सेना में जवानों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। उनको हमेशा एक रूटीन फॉलो करना होता है, चाहे उसका मन हो या ना हो, उनके शरीर में दर्द हो या ना हो, उनको किसी तरह की चोट लगी हो या ना लगी हो, और इसी तरीके से वो बनते हैं मानसिक रूप से अनुशासित और मजबूत। लेकिन आपको इतनी कठोर तपस्या नहीं करनी है, आपको तो बस इसका शायद 10% ही करना है। आपके लिए यह केवल 21 दिन की जंग है, उसके बाद फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, किसी काम को लेकर आपके मन में दो आवाजें नहीं होगी, और इसी तरह 21 दिन की प्रैक्टिस करके आप अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हो। लेकिन एक नई आदत डालना, एक बुरी आदत छोड़ना, दोनों बहुत ही अलग काम है। तो किस तरह से आप 21 दिन में अपनी बुरी आदतें को छोड़ सकते हो, इस पर मैं एक पूरा अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी आप इस बात को समझो कि अगर आपने 21 दिन तक वो काम कर लिया जो आप करना चाहते हो, आपने एक नई हैबिट को जन्म दे दिया, तो आप जिंदगी में खुद से एक जंग जीत कर आगे निकल जाओगे, वरना आप वहीं पर फंसे रह जाओगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके दिमाग में दो अलग अलग आवाजें आ रही होगी। आपका एक मन कह रहा होगा कि इस वीडियो में जो भी बात बताई गई है आप उसको फॉलो करके देखोगे, लेकिन वहीं दूसरा मन आपको बोलेगा कि ये सारी बातें तो साला बकवास है, बेकार है, चलो कुछ और देखते हैं।
कुछ मजेदार सा देखते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप 21 दिन का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। और अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिला होगा। तो इसी तरह सकारात्मक सोच के साथ अच्छी चीजों को सीखते चलिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर देगी। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डिजिटल मजा को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।